सवाल आपका था कप्तानी के हवाले से, 228 रन ना तो अकेले कप्तान ने करने थे और ना ही उस अकेले ने वो स्कोर खाए, तो ये जितनी भी ये जो नाकामी हुई इस मैच के अंदर उसके तमाम जिम्मेदार प्लेयर हैं, तमाम लोग और मैनेजमेंट है। क्योंकि मुझे ये लगता है एक स्टेटमेंट मैंने सुनी कि हमने 3 माह से कोई मैच नहीं हारा हुआ था, और ये बात मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि 3 माह की कामयाबी आपको लाइसेंस नहीं देती कि आप एक ऐसा बुरा मैच हार दें, ये मेरी समझ ये कहती है। तो मैं समझता हूँ कि इस मैच को लेके तकलीफ बहुत है कि क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ था और बिगेस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली हर चीज़ का कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक टाइम होता है वो रिकॉर्ड बनेगा, तो शायद वो बुरा टाइम था पाकिस्तान का कि इतना बुरा रिकॉर्ड बना, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर टीम थी और पहले मैच में जो पूरा नहीं हो सका उसमें पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे चांसेस थे। लेकिन जो वो मैच था वो ऑब्वियसली उसने डैमेज किया जो मुझे लगता है पाकिस्तान के मेंटल स्टेट को। उस मैच के हारने के बाद जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ मैच हारा गया वो मुझे लगता है कि दिमागी तौर पर हम लोग उस जोन से बाहर नहीं निकल सके एज ए टीम, जब हमें इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई और उसका प्रेशर भी बहुत होता है जब आप मैच ऐसा बड़ा हारते हैं। लेकिन मैं इसको कंक्लूड ये करूँगा कि सारे मामले के अंदर किसी एक को ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। मैं फिर ये कहूँगा कि इवेंट के फाइनल तक भी तो हम लोग ही पहुँचे थे, तो वो किसकी वजह से पहुँचे? अगर हम फाइनल हारने के ऊपर ज़िम्मेदार कप्तान को ठहरा रहे हैं तो फाइनल पहुंचने की जो क्रेडिट है वो कप्तान को क्यों नहीं देते? तो एक शख्स को कम से कम इसके ऊपर मुजरिम ना बनाए और तमाम रिजल्ट्स को जो है वो इवेल्युएट करें कि अच्छा होने की क्या वजूहत थी और बुरा होने की क्या वजूहत है। तो मैं ये ज़्यादा तौर पर मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी कप्तान रहूँ, मैंने खुद ये फेलियर चखे हुए हैं। वर्ल्ड कप के अंदर जब आप हारते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ होती है आपको भी एज ए प्लेयर की और ऑब्वियसली आवाम और तमाम लोगों को भी। लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है ये बात करने का, हमें मज़ीद सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाबर हमारे कप्तान हैं वर्ल्ड कप के लिए तो हमें उनको बहुत प्यार से थोड़ी दुआओं से इंडिया भेजना चाहिए और उनको मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहिए कि हम उनके लिए मज़ीद क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि वो बेहतर रिजल्ट लेके आएँ। और अगर अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट अच्छे ना आए फिर इसके बारे में सोचना चाहिए स्ट्रेटेजिकली कि क्या हमें इसी को कंटिन्यू करना है या इससे बेहतर कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट। भाई मैं पहले आपको और तमाम लोगों को बता दूं कि मैं क्रिकेट कमेटी का हिस्सा ज़रूर हूँ लेकिन मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। मुझसे अगर राय ली गई तो मैं ज़रूर अपनी राय का उन तक पहुँचाऊँगा। नहीं देखें मैं आपको बता दूं, पहले जैसे जब मैं क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बना तो मुझे सबसे पहले उन्होंने एक टास्क दिया कि मैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के रिफॉर्म्स में अपना किरदार अदा करूँ। मैंने वो किया, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो मेरी हम्बल कैपेसिटी में मुझे समझ आया कि पाकिस्तान की सोसाइटी की ज़रूरत है, मैंने उसको वापस ला के पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया। उसके बाद इसकी कोचिज अपॉइंटमेंट आई, मैं मसरूफ़ था उसमें हिस्सा नहीं ले सका। मैंने कहा जी मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि जब तक मैं इसको समझ नहीं सका या जब तक मैं किसी कोच को इवेल्यूएट ना कर सकूँ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के फ्यूचर का फैसला हूँ, तो मैं अपने आप को मैंने उस फैसले से एग्जिट ले लिया। इस मरतबा अगर मुझे जैसे एक मैंने ओपनली मैंने बात की कि जब एशिया कप से पहले मुझसे पूछा गया था और मैं अपने अल्फाज को बिल्कुल इकट्ठा नहीं करूँगा बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा, तो मुझसे पूछा गया था कि ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है मिकी आथर एंड कंपनी इनको कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ और फैसला लेना चाहिए। मेरी राय ये थी और मैंने अपनी राय का इजहार किया था ओपनली कि इस टेन्योर को कंटिन्यू करना चाहिए बल्कि मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर रिजल्ट आए। फैसला लेने वाला मैं नहीं हूँ, फैसला लेना किसी और ने है। अगर मुझसे फर्दर किसी भी इशू के ऊपर मुझसे पूछा गया अपनी मैं ऑनेस्ट राय जरूर पहुँचा दूँगा, बाकी फैसला जो है वो चेयरमैन है या कोई और लोग हैं जो भी इसका फैसला लेने वाले हैं वो इसका बेहतर फैसला करें। देखें पाकिस्तान की जो ये टीम है ये 2 हफ्ते पहले और 1 हफ्ता पहले नंबर 1 टीम कंसिडर की गई ICC की तरफ से अनाउंस की गई। इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छे रिजल्ट लेके आए पाकिस्तान की टीम के लिए। बायलैटरल सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो इस टीम से उम्मीद तो लगाई जा सकती है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास बैटिंग में चला जाऊं तो बैट्समैन वो मौजूद हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं,
बॉलर मौजूद हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि हम इनसे उम्मीद लगाएं एज ए पाकिस्तानी कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एरिया टू कंसर्न जो मुझे इस वक्त नज़र आया वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम खेल रही है इनका इंडिया के अंदर जाके क्रिकेट खेलने का कोई तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं, शायद एक या दो प्लेयर हों जिन्होंने इससे पहले इंडिया में जाके वो एटमॉस्फेयर फील किया हो जहाँ पे 40,000 50,000 या 70,000 या 80,000 जितनी कैपेसिटी वहाँ के ग्राउंड्स की है वो लोग बैठे होते हैं और जब आप चौका मारते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस आपको फील होता है। तो इस एटमॉस्फेयर में जाके खेलने का जो नशा और मज़ा है वो इन प्लेयर्स ने अभी तक नहीं चखा हुआ। शायद एक आध वो नवाज शायद 2016 के वर्ल्ड कप में थे जो T20 और शायद कोई एक आध और प्लेयर भी हो, अदर देन दैट सारी नई टीम। तो एक चैलेंज तो ज़रूर होगा पाकिस्तानी इस टीम के लिए सबसे पहले इंडिया में जाके खेलना और इंडिया के इस एटमॉस्फेयर को फील करते हुए अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन करना, तो ये चैलेंज ज़रूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर आपके पास चैलेंजेस आते हैं और आप उसको एम्ब्रेस करते हैं और आप उसमें परफॉर्म करते हैं, तो उम्मीद लगानी चाहिए, मैंने भी लगाई हुई है, आप भी लगाएं और इसको बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए ज़ाती तौर पर मैं क्या समझता हूँ कि दिल से हमें इनसे प्यार करने की ज़रूरत है और इनको मज़ीद सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर पहले ही मैं किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दूँगा तो रिज़ल्ट भी हो सकता है नेगेटिव ही आए, लेकिन अगर मैं कोई भी ज़िंदगी में काम करने जाऊँ और अगर उसकी सोच मेरे यहाँ पे पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी मेरी बॉडी में देगी दिमाग से कि मैं अच्छा और बेहतर परफॉर्म करूँ। तो मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ कि पहले मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं डिसीजन मेकर हूँ या एक फ़ैन हूँ, मैं अपनी इस टीम को फुली बैक करूँ, फुली सपोर्ट करूँ और इनको दुआओं और प्यार के साथ यहाँ से भेजूँ और उम्मीद लगाऊँ कि ये बेहतर परफॉर्म करें। देखिए डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वेरी करती हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल होने की सबसे बड़ी खुशी हम खुद मनाते हैं। वो 92 का जो वर्ल्ड कप जीता था ना वहाँ से हमें टैग मिला था कि वी आर अनप्रडिक्टेबल, तो वो आज तक हम उसकी खुशियाँ मनाते हैं। तो अनप्रडिक्टेबल होना बुरी बात नहीं है लेकिन राइट वे में होना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म। तो मैं आपके सवाल, तो ये एक बुरी हर बात नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी सोसाइटी में जाएं तो हम भी अनप्रडिक्टेबल हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं बैठ के अनप्रडिक्टेबल जोन के अंदर अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो प्लेयर हैं वो भी इसी सोसाइटी के हैं, जो आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट इनफ नहीं है, यस ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया के प्लेयरों से पूछा जा सकता है। जो भी टीम है फर्ज करें सबसे कंसिस्टेंट टीम ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर किया जाता है कि वो होम एंड अवे के अंदर जाकर परफॉर्मेंसेज देती है। अभी रिसेंट पास में रिफॉर्म्स करने के बाद या सब या इस चीज़ को समझने के बाद कि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक हमने परफॉर्मेंसेज देनी है, जो सबसे बेहतर डेवलप्ड टीम हुई है वो इंग्लैंड की टीम हुई है। पिछले 8 साल में 7 साल में जितना परफॉर्मेंस का ग्राफ इंग्लैंड ने अपना बढ़ाया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट को समझ लिया। हम थोड़े पीछे हैं, मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक ना तो इक्विप कर पा रहे हैं अपने प्लेयर्स को, ना फैसिलिटेट कर पा रहे हैं अपने प्लेयर्स को, जिसकी वजह से इंजरीज के इश्यूज भी हमारे साथ आते हैं और उसी की वजह से वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी परफॉर्मेंस के अंदर। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि जो भी हमारे लोग गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो इसका फैसला ले सकते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो राइट रिफॉर्म्स करें पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो ज़रूरी हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये काम किया जाए तो जो आपका गिला शिकवा है वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी मौजूद होगा, उस यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके दिल में भी मौजूद होगा, लेकिन दूर करने के तरीके के ऊपर चलने का जो मुझे समझ में आती हुई है कि हम राइट रिफॉर्म्स करें और फैसिलिटेट करें मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने क्रिकेट को, जो कि अभी मुझे लगता है कमी है।